आमतौर पर शादियों में बैंड बाजे बजाए जाते हैं या खुशी के कार्यक्रम में गाना बजाना होता है, मगर कानपुर में बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। जी हाँ, बड़ी खबर कानपुर से है, जहां माता पिता ने अपनी बेटी को तलाक के बाद ससुराल से घर लाने पर ढोल नगाड़े बजवाए और पूरे सम्मान के साथ उसे घर वापस लेकर आए। डाइवोर्स के फैसले के बाद तो बहुत टूट गई थी, आत्मिक रूप से मानसिक रूप से टूट गई थी, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने प्रेरणा दिया, खासतौर से एनजीओ से संबंधित लोगों ने, कुछ समाज के लोगों ने, कि मुझे ऐसे कदम की ओर बढ़ना चाहिए जहां पर अपनी बेटी को मैं सम्मान दिला सकूं, और उन्हीं सब की मदद से ससम्मान मैंने अपनी बेटी को वहां से विदा करा करके अपने घर में लाई। उसकी बच्ची है, मेरी बेटी है, वो अपने माता पिता के पास पहले की तरह ही वापस आ गई और पूरे ही प्यार, सुरक्षा और सम्मान से मेरे साथ है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें बैंड बाजा, हाँ, के उस, साथ उनके स्वागत। मैं अपनी बेटी को पूरे सम्मान के साथ जैसे मैंने विदा किया था उसी सम्मान के साथ लाई। दूसरा मुझे ये बोलना था कि आप लोग गेट खोलिए, मेरी बेटी और मेरा कसूर बताइए, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। मेरी बेटी का कोई भी बात नहीं बोली, जो उन्होंने बहुत सारे से अनर्गल बातें मेरी बेटी के प्रति बोली थी, उन बातों को भी मैं जानना चाहती थी। अब आप आइए मेरे सामने, मेरे साथ 10 लोग हैं, उनके सामने बताइए मेरी बेटी की क्या गलती, क्या कमी, और मेरे उसके माता पिता की क्या गलती और क्या कमी है। लेकिन वो लोग बहुत बुलाने के बाद भी गेट नहीं खोले, ना ही बाहर निकले। तो मुझे अपने लोगों से बहुत ही सहारा, सपोर्ट मिला, संबल मिला, और इस कार्य के बाद लोग मुझे हिम्मत दे रहे हैं, सराह रहे हैं। दिमाग में कहां से आया कि बेटी के स्वागत ऐसे किया जाए कि बैंड बाजा इस विदा किए वैसे ही? मेरी बेटी मानसिक रूप से बहुत त्रस्त हो गई थी, उन परिवार वालों ने अनर्गल रूप से दुष्प्रचार कर रखा था बेटी के प्रति। उस दुष्प्रचार के अगेंस्ट हम लोगों ने अपने आप में एक फैसला लिया कि अपनी बेटी का सम्मान मैं कैसे वापिस लाऊं। जब हम लोग किसी तरह से भी अपराधी नहीं है, हमारी बेटी कहीं भी अपराधी नहीं है, ना वो बता पा रहे हैं, इस हौसले से तभी हम इसी प्रेरणा से गई और उसी प्रेरणा ने मुझे प्रेरित किया, सम्मान के साथ अपनी बेटी को तभी लेके आ पाई मैं। वो लोग गेट नहीं खोले, बोल नहीं पाए, कोई जवाब नहीं दे पाए। भाई हमारे पास हमारे सभ्य समाज था, उससे ज़्यादा और हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, तो बैंड बाजे के साथ बेटी को विदा किया था, उसी तरह मैं लेकर के आई। इस फैसले के बाद तमाम रिश्तेदारों का फोन आ रहा होगा, हाँ, काफी लोगों का प्रतिक्रिया मेरे सपोर्ट में ही है। सभी का कहना है कि माता पिता को ऐसे ही अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए, और मेरी बेटी का भी ये कहना है कि मैं अपना ही लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मेरी जैसी अनेक बहनें हैं जो इस संघर्ष से जूझ रही हैं, उनको इससे प्रेरणा मिले, वो हिम्मत के साथ सामने आए, और विनती है कि उनके परिवारजन, उनके माता पिता अपनी बेटियों का साथ दें। माँ के तौर पे आप समाज को क्या संदेश देंगे? बेटी को विदा करने के बाद भी उसको कभी अकेला ना छोड़ें, अनर्गल रूप से उसका साथ ना दें, लेकिन उसको अकेला भी मत छोड़िए, उसके दुख और संकट को समझिए और उसका साथ दीजिए। मेरा सोचना ये था कि बिना किसी कारण के हमें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान का भी ध्यान रखना था, और शादी हुए 8 साल करीब हुए, एक दिन भी उन लोगों ने बेटी को चैन से रहने नहीं दिया। 4 साल तक तो केवल इस प्रयास में बीत गए कि अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और फिर 2000 और घर छोड़ कर भी चला गया, तो अब कुछ साथ रहने का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं था, जब है ही नहीं तो किसके साथ रहें। तो फिर इसके बाद उन लोगों ने कोर्ट केस किया, फिर वो भी मैं भुवनेश्वर में ही गया कि वहाँ भी धीरे धीरे केस चलेगा तो हो सकता है मेडिएशन में, काउंसलिंग में मान जाए, लेकिन जब इरादे गलत हो, मनसा नियत गलत हो, यही एक दिमाग में रहे खुद उसके लड़के के और उसके परिवार में कि हमें छोड़ना है, तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। फिर FIR हुई, FIR भुवनेश्वर वालों ने ही कराई, मैं डायरेक्ट FIR के भी उसमें नहीं था कि ठीक है रिलेशन सुधर जाते हैं तो कोई बात नहीं, हमने तो सुधारने के लिए यहाँ किया, लेकिन हम असफल रहे अपने हर प्रयास में, और लगभग 4 साल का समय उसमें भी हमारा लग गया। और बेटी ने इस दौरान जितना भी सहा है, चूँकि ये अरेंज मैरिज थी और इस मैरिज को मैंने लखनऊ से ही किया था,
और धूमधाम से किया था, अकेली बेटी थी, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। तो मेरे भी दिमाग में आया कि भाई अगर तलाक हो जाने के बाद, ये तो ना हमने कोर्ट मैरिज की थी ना कोई लव मैरिज थी, तो कोर्ट की प्रक्रिया अपनी अलग है, ये तलाक हो गया वहाँ से, लेकिन हमने की तो अरेंज मैरिज है। मेरी बेटी यहाँ से बहू बन के उस घर में गई, और उस घर में जब बहू बन के गई तो हम उसके मान सम्मान को बचाने के लिए हम उसको वहीं से बेटी के रूप में वापस लाए। जो भी उनका सामान था, जो भी श्रृंगार की चीज़ उनकी तरफ से दी गई थी, चुंदी मेन, वो हमने उनके दरवाजे छोड़ दी और वहाँ से अपनी बेटी को हम गाजे बाजे के साथ अपने पास फिर सुरक्षित ले आए। अब वो मेरी जिम्मेदारी फिर बन गई और हम तो फिर उसी जगह खड़े हो गए कि इस उम्र में मैं अपनी बेटी का ब्याह करके और अच्छी तरह से सेटल करके, और फिर मेरे लिए वही पोजीशन आ गई। तो ये मेरा मैसेज है। दूसरी चीज़ ये है कि उन लोगों ने बेटी के विषय में अपने मोहल्ले में रिश्तेदारों में बहुत उल्टी सीधी बातें फैला रखी थी कि लड़की ऐसी थी, वही यहाँ से चली गई, ये था वो था, तो उसे भी मुझे दूर करना था, मेरी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। सर, ढोल नगाड़ों के साथ लिया है तो क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आमतौर पर तमाम महिलाएं इस तरह की आत्महत्या। अब ये मैसेज मेरा केवल यही है कि बेटियों को विषम परिस्थितियों में जब भी वो दूसरे के घर जाती हैं तो वो अकेली जाती हैं, वहाँ उनको परिवार के कितने सारे लोग होते हैं, कितने रिश्ते नए बनते हैं, वहाँ पर वो अकेले उस चीज़ को देखती हैं, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा, किसी की क्या मेंटेलिटी है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर अब होने लगा है। तो मेरा मैसेज अन्य हमारे जैसे माता पिता के और बेटियों के पिताओं से ये है अपील कि बेटियों को विषम परिस्थितियों में अकेला ना छोड़ें, उनका इतना साथ दें कि उनका मनोबल बढ़ा रहे, और कल उनके सामने अगर कोई ऐसी समस्या आए तो वो उसका प्रतिरोध कर सकें। माता पिता